हाय बच्चों कैसे आप लोग चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम आपको पढ़ा रहे स्केल स्केल में आपका हम प्लेन स्केल पढ़ा रहे प्लेन स्केल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ उसकी डेफिनेशंस क्या है और उस पर एक क्वेश्चन हमने कराया ये क्वेश्चन देख लेते ये क्वेश्चन उत्तराखंड में आया था दो में ठीक है जितने भी टाइप के प्लेन स्केल के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं वो सारे हम कराएंगे फिर डायगनल स्केल के भी क्वेश्चन हम ऐसी आपके कराएंगे जितने भी आ चुके हैं इन्हीं क्वेश्चनों से आपको पता लग जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराएंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेती है क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाता है पूछा कैसे जाता है ये क्वेश्चन मेरा लेने का परपज था कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अगर स्केल का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पुटअप किया जाएगा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और समझते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया है और आपको क्या चीज निकालनी है ठीक है तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्वेश्चन दिया है एक मापनी की रचना करो क्या बनानी है आपको एक मापनी बनानी है एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके क्या पढ़ना है किलोमीटर और हेक्टोमीटर देखो दो यूनिट पड़ी जा रही है इसमें कितनी यूनिट पड़ रही हम इसमें दो यूनिट दो इकाइया पढ़ रहे हैं तो इससे क्या पता लगता है कि यह कैसी स्केल है सिंपल स्केल है अगर यहां पर तीन यूनिट पड़े जाती तो क्या होता आपका क्या हो जाता है स्केल होती बट यहां पर क्या पड़ी जा रही है दो यूनिट एक यूनिट किलोमीटर और एक हेक्टोमीटर टू यूनिट पड़े जा रही है और दोनों के बीच में ए ये इसकी इकाई का दसवां भाग कहलाता है तो यहां से क्या पता लगा सिंपल स्केल है क्लियर अब आगे चलती है जबकि चार सेंटीमीटर एक किलोमीटर को एक किलोमीटर को प्रदर्शित करता है चार सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित कर रहा है? एक किलोमीटर को एक किलोमीटर क्या है एक्चुअल एक किलोमीटर है एक्चुअल लेंथ और यह है किस पर ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप ठीक प्रदर्शित करता है अब आगे चलते तथा चार किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो ठीक है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ दे दी यानी कि चार किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो आप इस स्केल से चार किलोमीटर ही नाप सकते हैं यह इतना पर्याप्त है चार किलोमीटर तक नाप सकते हैं तो मैक्सिमम है ठीक अब आगे दिया है आपको निरूपक भिन्न ज्ञात करो निरूपक भिन्न आपको ज्ञात करनी है आर एफ और तथा तीन किलोमीटर और छ हेक्टोमीटर छ हेक्टोमीटर की दूरी मापनी पर दर्शाइए ठीक है कि दूरी मापनी पर दर्शाइए देखो एक तो आपको निकालना है आर एफ आर एफ आपको निकालना है ठीक है दूसरा आपको क्या दिया गया है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ दी गई है मैक्सिमम कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ लेंथ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी दी गई है फोर किलोमीटर कितना नाप सकते इससे फोर किलोमीटर तक हम नाप सकते हैं ठीक अच्छा अब आपको दर्शाना कितना है सो कितना करना है आपको सो करना है स्केल पर 100 करना है आपको तीन किलोमीटर और छ हेक्टोमीटर ये आपको प्रदर्शित करके दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं आर निकाल लेते हैं क्योंकि आरएफ आपको निकालने के लिए दिया गया है तो यहां पर हम सोल्यूशन करते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं आर एफ यानी कि निरूपक भिन्न निरूपक भिन्न आपको निरूपक भिन्न निकालनी है निरूपक भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है ड्रॉइंग सीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप याद कर लेना क्या फॉर्मूला होता है ड्रॉइंग सीट पर प्रदर्शित माप प्रदर्शित प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप वास्तविक माप या लंबाई ठीक है अब देखो यहां पर हम कितना जबकि यहां पर देखिए ये लाइन इसकी ले दी गई है आरअ के लिए ही ये लाइन आरअ के लिए दी गई है जबकि चार सेंटीमीटर एक किलोमीटर को प्रदर्शित करता है तो चार सेंटीमीटर क्या है ड्राइंग सीट पर प्रदर्शित माप और एक किलोमीटर क्या आपकी वास्तविक माप ध्यान रखना हमेशा वास्तविक माप की यूनिट अधिक होगी वास्तविक माप की यूनिट अधिक होगी अब चार सेंटीमीटर तो है आपकी ड्रॉइंग सीट पर प्रदर्शित माप और एक किलोमीटर है आपकी एक किलोमीटर आपकी माप। अब किलोमीटर को किस में चेंज कर लो एक किलोमीटर को किसमें चेंज कर लो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, लो। क्योंकि ऊपर कितना है सेंटीमीटर में आप जानते हो वन किलोमीटर में एक हजार मीटर होते हैं और वन मीटर में कितने होते हैं वन मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तो यहां से मीटर हट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एक किलोमीटर इज टू एक हजार मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर तो ऐसे चेंज कर लो तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चार सेंटीमीटर वन मल्टीप्लाई वन थाउजेंड और वन हंड्रेड सेंटीमीटर देखो आर एफ क्या होती है आपकी आर एफ निरूपकनू होती है यूनिट लेस यूनिट लेस कैसे होती है इसके यूनिट से यूनिट कट जाएगी ठीक है अब चार से भाग दे दो चार से आपने इसको भाग दिया पच्चीस सौ का सो कितने होते हैं पच्चीस सौ का सो तो हंड्रेड को हंड्रेड को, को जब हम काटेंगे तो पच्चीस आ जाएगा तो आपके पास आर एफ कितना आ गया वन अपॉन पच्चीस ये मल्टीप्लाई कर दो हजार की तो पच्चीस हजार आपके पास आ गया आर एफ आपको आर एफ निकालना था सबसे पहले आर एफ आपके पास आ गया अब आप निकालोगे लेंथ ऑफ स्केल अब आप निकालोगे लेंथ लेंथ ऑफ स्केल कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ये चीज आपको चाहिए आर एफ चाहिए आपको लेंथ ऑफ स्केल चाहिए लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला आता है आर एफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ ये होता है अब आर एफ आपकी कितनी है एक बटा पच्चीस हजार मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लैंथ कितनी आपकी चार किलोमीटर चार किलोमीटर को किसमें चेंज कर लो सेंटीमीटर में एल ओ एस एक बटा पच्चीस हजार मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा वन थाउजेंड और वन हंड्रेड ठीक ये आ जाएगा सेंटीमीटर में देखो तीन जीरो से तीन जीरो गट और पच्चीस चौक कितने होते हैं पच्चीस चौक होते हैं सो so, तो लेंथ ऑफ स्कोल चार में चार की मल्टीप्लाई करो चार चौक सोलह तो लेंथ ऑफ स्केल आपके पास कितनी आई सोलह सेंटीमीटर आई लेंथ ऑफ स्केल कितनी आगे पास सोलह सेंटीमीटर तो ये एक तो आपको ये चाहिए थी लेंथ ऑफ स्केल आर एफ आपको निकालने के लिए दी गई है इसके मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे लेंथ ऑफ स्केल निकालिए हमें ड्रॉइंग बनाने के लिए जो हम यहाँ पर ड्रॉइंग ड्रॉ करेंगे ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं बनानी मैं इसको रफ कर देता हूँ मैं इसको क्या कर देता हूँ रफ कर देता हूँ और ये हम रहने दो ये आपको नोट करना है और ये आपको ड्रो सोल्यूशन करके भी देखना है बार बार ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हमारा सबसे पहला काम होता है स्केल को सेट करने का हमारी स्केल है स्केल को मैं इसकी हेल्प से सेट कर लेता हूँ तो स्केल मैंने सेट की सेट करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर लेना है कितना लेना है 16 सेंटीमीटर तो स्केल को मैंने किया सेट स्केल को एक बार और सेट कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी मुझे डाउट लग रहा है सेट में सेट करने में ठीक है चलिए अब मैं यहां पर सोलह सेंटीमीटर ले लेता हूं कितना लेता हूं सोलह सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं यहां पर तो मैंने यहां पर लिया 16 सेंटीमीटर ठीक है कितना लिया 16 सेंटीमीटर तो ये मेरी 16 सेंटीमीटर की लेंथ है कितनी है 16 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक मेरी 16 सेंटीमीटर है अब आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर ऊपर चलना और एक बॉक्स बना लेना है सिंपल स्केल के लिए वन सेंटीमीटर आप ऐसे ऊपर गए वन सेंटीमीटर और आपने इसको ड्रॉ किया क्लियर है अब आपको क्या करना है यहां पर किसी भी एंगल पर एक, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अब देखो मैं इसको कोई भी एक एंगल ले लेता हूं मैं यहां से कोई भी एक एंगल ले लेता हूं जैसे मैंने ये एक एंगल लिया यहां पर मैंने एक एंगल लिया और एक लाइन ड्रॉ की ऐसे ऐसे <she palms> एक लाइन ड्रो की और ये जो मैं पहला पहली लाइन ड्रो करूंगा किसी भी एंगल पर इसके मुझे कितने भाग करने होते हैं जितनी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ होती है कितने भाग करने होते हैं जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ होती है तो उतने हमें इसके भाग करने होते हैं तो अब देखो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी है मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ है मैं कितना पर्याप्त मापने के लिए चार किलोमीटर पर्याप्त मापने के लिए तो मैं यहां पर मान सकता हूं माना एक भाग इजकल टू वन किलोमीटर ठीक है तो चार भाग इजकल टू कितने होंगे फोर किलोमीटर के तो चार भाग फोर किलोमीटर के तो आपको क्या करना है कंपस में कोई भी इक्वल डिस्टेंस ले लो कंपस में कोई भी इक्वल डिस्टेंस ले लो ठीक है कोई भी ले सकते हो आप एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर तीन चार पाँच छः सात आठ कितनी भी ले सकते हो तो मैं सेम ए, सेम डिस्टेंस लेकर चार आपको भाग बनाने हैं अब देखो मैं कंपस की हेल्प से नहीं मैं स्केल की हेल्प से ही दिखा रहा हूं तो मैंने यहां पर इक्वल डिस्टेंस देखो मैं चार सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाया तो चार सेंटीमीटर पर मैंने अगला पॉइंट लगाया फिर चार सेंटीमीटर पर मैंने अगला पॉइंट लगाया और फिर चार सेंटीमीटर पर मैंने अगला पॉइंट लगाया टोटल कितने हो गए चार भाग हो गए वन टू थ्री फोर अब ये लास्ट का पार्ट मुझे इस कॉर्नर पर मिलाना है मैं इसको लूंगा स्केल को और इसके साथ मैं टाइट कर दूंगा मैं स्केल ली और यहाँ पर इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे मिलाया इसके साथ ऐसे मिलाया और इसको मिला दिया ऐसे फिर ऐसे ही इस अगले पॉइंट पर आइए इसको भी ऐसे इक्वल भाग इक्वल भाग होंगे बिल्कुल फिर इसको मिलाइए इसको यहाँ पर और फिर इसको लीजिए इसको यहाँ पर अब स्केल को कर लीजिए जीरो पर सेट यानी कि जो आपने सेट की थी स्केल को वहां पर सेट कर लीजिए ठीक है तो ये हमारी हो गई अब इनको ऊपर उठा दीजिए जहां पर ये कट मिले है इस लाइन से इनको मिला दीजिए ऊपर अब क्या हो गया अब देखो ये एक पार्ट आगे वन टू थ्री फोर चार पार्ट हो गए एक पार्ट कितना एक किलोमीटर को दर्शा रहा है एक पार्ट एक किलोमीटर को दर्शा रहा है तो इस मैं इसमें नंबरिंग दे देता हूं जीरो किलोमीटर एक किलोमीटर दो किलोमीटर तीन किलोमीटर तो यहां पर लिख दो किलो मीटर ठीक है अब देखो एक भाग एक भाग एक किलोमीटर को दर्शा रहा है और हम जानते हैं वन किलोमीटर में कितने दस हेक्टा मीटर होते हैं एक किलोमीटर में दस हेक्टा मीटर होते हैं तो मैं इस इसके दस भाग कर सकता हूं इस पार्ट के मैं कितने भाग कर सकता हूं दस भाग कर सकता हूं तो मैं इसके दस भाग कर लेता हूं तो मुझे दस भाग करने के लिए मुझे क्या करेगा कोई भी फिर मैं एक एंगल ले लूंगा फिर मैं कोई भी एक एंगल ले लूंगा तो कोई भी मैंने एक एंगल लिया जो नब्बे डिग्री से कम होना चाहिए जो क्या होना चाहिए नब्बे डिग्री से कम होना चाहिए ये मैंने लिया अब इसके मैं दस भागों में डिवाइड कर देता हूं तो मैं कितने कितने के भाग ले रहा हूं मैं दो दो सेंटीमीटर के ले रहा हूं एक भाग ये वन टू दो, -दो सेंटीमीटर पर लगा रहा हूं मैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस टोटली हो गए देखो एक भाग ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टोटल तो कितने हो गए दस भाग हो गए अब दस भाग जब हो गए ये वो ये लास्ट वाला जो भाग है ये लास्ट वाला जो मैंने पार्ट काटा है इसको जीरो पर मिलाइए और जीरो पर कैसे मिलाएंगे स्केल को लीजिए इसके साथ इसको इसके साथ लेकर स्केल को टाइट कर दो स्केल को टाइट कर दो यहाँ पर इस पॉइंट को देखो यहाँ पर इस पॉइंट को देखो और स्केल को टाइट कर दो और ऐसे ड्रो करते जाइए ये किया फिर इससे अगला पॉइंट लीजिए अब ऐसे ड्रो करते जाइए फिर इस अगला पॉइंट लीजिए ऐसा आपको ड्रो करते जाना है फिर इस अगला पॉइंट लीजिए ऐसा ड्रॉ कीजिए फिर इस अगला पॉइंट लीजिए ऐसा ड्रॉ कीजिए फिर इस अगला पॉइंट लीजिए तो ऐसा आपको ड्रो करते जानी है लाइनें ऊपर लेकर ले जानी है ये लाइन सभी की सभी ऊपर लेकर जानी है बिल्कुल एक बार टाइट करने के बाद बस डायरेक्ट ऐसे खींचते जाइए ये किया अब स्केल को कीजिए सेट इसके साथ जो आप इसकी स्केल सेट थी जीरो पर उसके साथ स्केल को टाइट कीजिए और इनको ऊपर मिला दो ऐसे इनको ऐसे मिला दीजिए ऊपर इनको वर्टिकल ऐसे मिला दो कैसे मिलाने है वर्टिकल ठीक है क्योंकि हम साधारण माफ नहीं बना रहे हैं डायग्नल स्केल नहीं बना रहे रहेगी हम इनको तिरछे लेंगे ठीक है वो भी हम आपको आगे बताएंगे जब हम आपको डायग्नल स्केल पढ़ाएंगे अब देखो ये आपका जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल कितने दस भाग हो गए टोटल दस भाग हो गए अब देखते हैं है, हमें सो क्या करना है निरूपक भिन्न हमने निकाल दी थी अब हम सो देखते हैं क्या करना है तीन किलोमीटर छः हेक्टोमीटर हमें सो करना है तीन किलोमीटर और हेक्टोमीटर हमें सो करना है तो तीन किलोमीटर देखो आपको जीरो से पड़ेंगे जीरो एक दो तीन तो तीन किलोमीटर इधर चलेंगे तो तीन किलोमीटर चलाऊं मैं इधर तो ऐसे ड्रो कर दीजिए ठीक है अब मुझे चलना है छः किलोमीटर ये तो मेरा जीरो है जीरो के बाद देखो एक दो तीन चार पाँच छः तो यहाँ छः पर आइए और छः से यहाँ ऐसा ड्रो कर दीजिए और बनाइए ये लाइन पूरी ऐसे ये लाइन पूरी ऐसा बनाइए और यहाँ पर शो कर दो एरो कैसे शो करेंगे एरो ऐसा शो करेंगे एरो ऐसा सो करेंगे और ये इस पर लिख देंगे तीन किलोमीटर क्या था ये तीन किलोमीटर और हेक्टोमीटर किस आर एफ पर बनाया है क्योंकि आर एफ आपने निकाल ली थी आर एफ आपने निकाल ली थी तो आर एफ हमेशा जो भी स्केल आप बनाओगे उसके ऊपर लिखेंगे वन अपॉन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यह आर आप इसको स्केल के ऊपर लिखनी है ठीक है तो यहां पर ये क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ये किसका था प्लेन स्केल का क्वेश्चन प्लेन स्केल प्लेन स्केल का क्वेश्चन था आपको जो कि आपको सोल्व करना था जिसमें आपको यहां पर आरफ निकालनी थी आरफ के बाद आपको लेंथ ऑफ स्केल तो निकालनी ही निकालनी हर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में आपको आरफ दे दी जाती है बट इसमें नहीं दी थी तो आरफ आपको निकालनी तो इसके नंबर आपको अलग से मिलेंगे आरफ के ठीक है और इसके नंबर आपको अलग से मिलेंगे ठीक है तो कम से कम दस नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा अगर सिंपल स्केल का भी क्वेश्चन आपको आता है ठीक है वैसे तो डाइग्नरिक स्केल के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल स्केल का क्वेश्चन भी हम कैसे कर सकते हैं ठीक है तो जितने अभी तक प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो हम सारे कराएंगे सिंपल स्केल के ठीक क्योंकि उन्हीं से आपको एक आइडिया मिल जाएगी हम क्वेश्चन को कैसे करने हैं और कैसे डाटा इसमें दिया जाता है ठीक है तो अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को बाय नहीं किया तो आप हमारे कोर्स बाय कर सकते अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते दोस्तों को भी बता सकते ठीक है, है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी के लिए थैंक यू